भारत में अभी तक जीनोसाइड को रोकने और उसे पनिश करने का कोई कानून नहीं है। जब आतंकवादी नेताओं के साथ बैठने लगे हैं तो क्या संदेश जाता है? द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने के बाद आपको समझ आएगा कि किस तरह का राजनीतिक स्तर था जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से घाटी से निकाला गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पनन कश्मीर की तरफ से, उनके कुछ साथी सहयोगी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे किस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शैलेंद्र है और पनन कश्मीर संस्था का मैं सीनियर वाइस चेयरपर्सन हूँ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या विषय द कश्मीर फाइल्स मूवी? हमारा विषय जो था वो ये था कि हम भारत सरकार को एक बार दोबारा चेताएं और याद दिलाएं कि हमारा एक उनसे आग्रह था। आज से 3 वर्ष पहले हम और प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले और भारत के लगभग 460 सांसदों को भी हमने इस बात से अवगत कराया कि भारत में अभी तक जीनोसाइड को रोकने और उसे पनिश करने का कोई कानून नहीं है। हम जीनोसाइड कह भी दें तो जीनोसाइड रुकेगा नहीं, उसको रोकने के लिए हमारा जो न्याय तंत्र है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें एक ठोस कानून की ज़रूरत है जो जीनोसाइड को एड्रेस कर सके और उसको पनिशेबल बना सके। तो 3 साल से हमारा ये चल रहा था, हमने भारत सरकार ने सब लोगों को ये चेताया, हम जो हमारा जस्टिस कमीशन है, जो मंत्रालय है, उनसे भी हम मिले, हम अपने जो कानून बनाने वाले हैं सांसद हैं उनसे भी मिले हैं और उनको एक प्रतिलिपि दी है, हमने एक कॉपी दी है एक ड्राफ्ट की, जो जिसको हम पनून कश्मीर जीनोसाइड प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट बोलते हैं जी। अब चूंकि भारत में एक जागृति है, लोग समझ रहे हैं कि जीनोसाइड हुआ है, ये जो फिल्म है इसने इस जागृति को लाने में एक अभूतपूर्व काम किया है। विवेक अग्निहोत्री जी ने कोई छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसको एक फुलफिल किया जा सके तो उसके लिए इस कानून को लाने की ज़रूरत है। तो हम आपके माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, जो हमारे साथ खड़ा रहा है, जिसने हमारी बात को, तभी तो आज ये क्रांति हो रही है जी, तो उस जीनोसाइड को एक्ट को लाने का अब समय आ गया है। ये बात आप वहाँ तक पहुँचाएँ और प्रधानमंत्री जी और हमारे जो सरकार है और हमारे सांसद हैं वो शीघ्रातिशीघ्र इन कमिंग डेज इस बिल को इंट्रोड्यूस करें, इस एक्ट को बनाएं ताकि ये जो त्रासदी है इसको हमेशा के लिए बंद किया जा सके। नहीं तो ऐसी त्रासदियाँ बहुत जगह होने का अभी भी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है और रुक नहीं रहा है कुछ भी। आपने कहा 3 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, तो कोई अभी तक कोई निष्कर्ष या कोई इस दिशा में कोई स्टेप लेते हुए दिखी सरकार आपको? हमें कोई स्टेप लेते हुए दिखी नहीं, लेकिन हाँ, हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब हम संसदों से बैठते हैं, सांसदों के साथ पार्लियामेंटरियन कहते हैं बहुत सही है, बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने ना हाँ कहा ना ना कहा, लेकिन कहा आप अपना काम कर रहे हो, करते रहो, कॉपी ले ली हमसे। संसद में उसकी गूंज दिखी, संसद में उसकी गूंज थोड़ी सी उठी, कुछ सांसदों ने कहा, बात की, लेकिन जो पार्टी उसमें है, जो पार्टी भारत पे राज्य कर रही है उसके सांसदों ने नहीं बोला, दूसरे सांसदों ने एक दो बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल कहा अपने संभाषण में, उन्होंने बोला, तो इससे बड़ी उम्मीद तो जागी है कि कुछ करेंगे, लेकिन जब तक उनको वही होता है जिसके पीछे भारत का जनमानस, उनको लगता है लोग तैयार है भाई, अब हम बच नहीं सकते हैं ना, ये सारे राजनेताओं का होता है कोई भी हो। तो इसलिए भारत में अब माहौल बनना चाहिए, इन राजनेताओं को लगना चाहिए कि इस पे अब कानून लाने की ज़रूरत है और वो कानून आना चाहिए, बस लोग थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। हाँ, लोग इनिशिएटिव लेते हैं तभी होता है। जब आप देखो 370 और 35 ऐसे तो नहीं किया, कितनी लंबी स्ट्रगल है आप खुद सोचें, मतलब हम तो आप सब लोग को मालूम है, जम्मू के भी लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, जगह जगह हम लोग घूम रहे थे, भाषण कर रहे। 1991 में जब हमने मार्गदर्शन रेजोल्यूशन दिया
तो उसका सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 370 को पहले ख़त्म करो और जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करो। वो पुनर्गठन इन्होंने किया लेकिन आधा किया। जो पूरी बात हमने मार्गदर्शन में कही थी वो पूरी बात नहीं की। वो पूरी बात कर देते तो आज ये काफ़ी कुछ हो जाना था। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो अब माहौल बन रहा है उसमें ये सब काम होगा और हम आश्वस्त हैं। भारत के लोग अब सोने वाले लोग हैं। वो जाके प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 5 दिनों से कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। षड्यंत्र तो वो पहले किया करते थे, अब बौखलाए हुए हैं और वो नहीं चाहते थे कि ये मूवी जो है वो रिलीज आए, ये सच सामने आए। वो कौन लोग हैं वो? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारा एक पूरा लेफ्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम है जो जिहादी लेफ्ट के कंबाइन है। इंडिया में नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है। ये हम जिससे लड़ रहे हैं वो कोई छोटी ताकत नहीं है। लेकिन हमें यही विश्वास था कि जब हिंदुस्तान जागेगा ना उसको कोई रोक नहीं सकेगा और इस हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं सकता। ये नया हिंदुस्तान बन रहा है, बनेगा, सक्सेसफुल होगा। और जो न्याय इतने साल से जिससे हम वंचित हुए हैं वो न्याय अब हम सबको मिलेगा। कुछ इस तरह की भी बातें सुनने में आ रहा है कि दिखाने में कहीं मूवी देखने के तो जाओ तो वो कहते हैं कि हाउसफुल है लेकिन अंदर 30% 20% लोग ही हैं, ऐसी कुछ बातें आपके नहीं, नहीं, आप गए हैं ना? नहीं, हमने फिल्म देखी कि नहीं देखी? पहले फिल्म तो देखी है। देखिए कितने लोग थे नहीं, वो हमें वैसे अपनी राय नहीं देना चाहते हो, लेकिन जब मैं गया था फिल्म देखने और जब टिकट ली थी तो हाउसफुल था, इसमें कोई शक नहीं। मतलब ये जो बातें आ रही हैं कि नहीं 20% 30% कुछ जगह ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खब्बा नोचे, तो जो बुखलाए हुए हैं वो खिसियानी बिल्ली है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है। आप मुझे बताओ, 4 दिन में 50 करोड़ का प्रॉफिट हाउसफुल से ही होता है ना। इतनी बड़ी सक्सेस तो आज तक मिली नहीं किसी फिल्म को। आप देखो, इस फिल्म की कोई पब्लिसिटी नहीं थी, कोई पोस्टर नहीं थे, कोई बैनर्स नहीं थे, किसी भी मीडिया चैनल ने इसका आपको दिखाया नहीं। लेकिन जब ये पहाड़ ज्वालामुखी फूट पड़ा तो मीडिया वाले क्या करते हैं? उनको परसों से डिबेट यही चल रही है। मैंने कहा ना, भारत बदल गया है, अब इस भारत को कोई रोक नहीं सकता है। ये भारत बढ़ेगा आगे, न्याय ये सारा तंत्र जो है अब लोग ऑपरेट करेंगे, कर रहे हैं। भारत की जो चेतना है, भारत की जो आत्मा है ना, वो जाग गई हुई है। अब जब पूरे देश की, समाज की आत्मा जागृत हो जाती है तो पॉलिटिशियन क्या करेगा? उसको तो उसके साथ बहना है ना। नहीं बहेगा तो फिर लोग पलट देते हैं सब कुछ। बिल्कुल, ये नया हिंदुस्तान है भाई। लेट्स ऑल सेलिब्रेट दिस इंडिया। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये सच कह रहे हैं कि अब लोग जागृत हो गए हैं और जो लोग चाहते हैं लोकतंत्र के अंदर वही होना चाहिए, वो अब हो रहा है। पहले नहीं होने दिया जाता था क्योंकि नेता भी काफ़ी षड्यंत्रकारी थे, ताकत उनके पास थी, कैसे मूर्ख बनाना है लोगों को बना रहे थे। लेकिन अब लोग जागृत हो गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि कानून बनाकर इसके ऊपर मोहर लगा दी जाए ताकि इस तरह का कृत्य दोबारा कभी ना हो। अभी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सेवा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।